हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये इयररिंग बनाएंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 40 नंबर के थ्रेड लिए हैं, 0.5 mm का क्रोचेट हुक, जंप रिंग, इयररिंग हुक, प्लायर, सीजर, फैब्रिक ग्लू और स्टार्च। सबसे पहले बेस बनाने के लिए एक रिंग बना लेंगे, चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। रिंग में डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमें इस रिंग में 12 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए, 3 चेन प्लस 12 डबल क्रोशिया बना ली है। फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के टॉप पर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेंगे, सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे, 3 चेन लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, ट्रिपल स्टिच को यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमने सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, 1 ट्रिपल प्लस 1 डबल क्रोशिया ली है। नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1, 2। नेक्स्ट स्टिच में 3 स्टिच लेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे, सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 3 स्टिच लेना है। इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये कॉर्नर बन जाएंगे। नेक्स्ट राउंड में ये क्लियर दिखेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे, थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे, 3 चेन लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, मार्क किए हुए स्टिच में ये देखिए यहाँ पर 3 स्टिच लेने हैं। पहले हम डबल क्रोशिया लेंगे, सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, इस ट्रिपल क्रोशिया को मार्क कर देंगे। सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर सभी स्टिच में, यहाँ पर 4 स्टिच हैं, इसमें हम 1-1 डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, जो मार्क किए हुए स्टिच हैं यहाँ पर कॉर्नर बनेंगे, 1, 2, 3, 4। ये देखिए, यहाँ पर मार्क किया हुआ स्टिच है, इसमें हम 3 स्टिच लेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे, फिर हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया को हम मार्क कर लेंगे। सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, यहाँ पर मैंने 2
डबल क्रोशिया को ही मार्क किया है, आगे नहीं किया है। यहाँ पर फोर में हम वन वन डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमें कॉर्नर बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर हम वन वन डबल क्रोशिया लेंगे, वन टू थ्री। फर्स्ट डबल क्रोशिया हम पहले ही बना चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से टोटल यहाँ भी फोर हो गई हैं। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे, थ्री चेन लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, मार्क किए हुए स्टिच में यहाँ पर हम थ्री स्टिच बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया लेंगे, सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट सभी स्टिच में यहाँ पर ये देखिए सभी में हम वन वन डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे। इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने डबल और ट्रिपल क्रोशिया बना ली है। थ्री चेन लेंगे, यहाँ पर हमें हुक लगाने के लिए लूप बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया के टॉप पर यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए यहाँ पर टू डबल क्रोशिया हमने बना ली है। यहाँ पर फोर स्टिच हैं, टोटल सिक्स स्टिच में हमें वन वन डबल क्रोशिया बना लेनी है। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, थ्रेड को कट करेंगे, रिंग को अच्छे से टाइट करके बंद कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे। अब हम यहाँ पर सेकंड कलर लेंगे, यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर लिया है। सेकंड लेयर पर ये देखिए यहाँ पर हमें चेन बनानी है। इसमें देखिए क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसको वाइट बेस पर दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें स्टिच लेना है। यहाँ पर ये देखिए अच्छे से होल दिखें, इसलिए मैंने इसमें निडल से होल कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हम थ्रेड को पकड़ के रखेंगे नीचे की साइड में। नेक्स्ट वाले स्टिच में हुक लेंगे, चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें चेन बनानी है। नेक्स्ट स्टिच में लेंगे, फिर से हम चेन बनाएंगे। इस तरह से हमें सभी स्टिच में चेन बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया है, वहाँ पर भी हमें चेन बनानी है। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे, थ्रेड को कट करेंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में ये देखिए यहाँ पर इसके नीचे से हुक को लेकर इस थ्रेड को यहाँ से निकाल लेंगे। लास्ट स्टिच है, इसमें हम नीचे से हुक डालेंगे, इसके अंदर से इस थ्रेड को पीछे की साइड कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से कर लेना है। बैक साइड में हम थ्रेड में नॉट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से बेस बना लेंगे। अब हम ये स्मॉल वाला फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगा लेंगे, चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमें 19 चेन बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से हम चेन बना लेंगे। 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड में डबल क्रोशिया लेंगे, सेम चेन में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, वन चेन लेंगे। टॉप पर ये देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे। सेम चेन में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। टू चेन लेंगे, सेम चेन में स्लिप स्टिच लेंगे। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लेंगे, टू चेन लेंगे, सेम चेन में टू डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, वन चेन लेंगे, टॉप पर स्लिप स्टिच लेंगे, सेम चेन में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे, टू चेन लेंगे, सेम चेन में स्लिप स्टिच लेंगे। ये देखिए इस तरह से पेटल्स बनानी है। इस तरह से हम यहाँ पर 1 पेटल्स और बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से 3 पेटल्स बना ली हैं। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लेंगे, 2 चेन लेंगे, सेम चेन में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमें लास्ट तक सभी चेन में 1-1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से 2 चेन लेंगे, सेम चेन में स्लिप स्टिच लेंगे, थ्रेड को कट करेंगे। इस तरह से हमें 2 फ्लावर बना लेने हैं। अब हम सेकंड फ्लावर बनाएंगे। एक नॉट लगा लेंगे, चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमें 27 चेन बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, सेम चेन में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, वन चेन लेंगे, टॉप पर स्लिप स्टिच लेंगे, नेक्स्ट चेन में
यहाँ पर टू ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, वन टू, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे, टू चेन लेंगे, सेम चेन में स्लिप स्टिच लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पेटल्स बनानी है। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लेंगे, टू चेन लेंगे, सेम चेन में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में टू ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, वन टू, वन चेन लेंगे, टॉप पर स्लिप स्टिच लेंगे, नेक्स्ट चेन में टू ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे, टू चेन लेंगे, सेम चेन में स्लिप स्टिच लेंगे। ये देखिए इस तरह से पेटल्स बनानी है। इस तरह से हम वन पेटल्स और बना लेंगे। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लेंगे, टू चेन लेंगे, सेम चेन में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में टू डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे, टू चेन लेंगे, सेम चेन में स्लिप स्टिच लेंगे। ये देखिए इस तरह से पेटल्स बनानी है। इस तरह से हम वन पेटल और बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर टू पेटल्स बना ली हैं। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लेंगे, टू चेन लेंगे, सेम चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमें सभी चेन में वन वन डबल क्रोशिया बना लेनी है। लास्ट तक इसी तरह से बनाएंगे। टू चेन लेंगे, सेम चेन में स्लिप स्टिच लेंगे। ये देखिए इस तरह से इस फ्लावर को बनाना है। शुरू में हमने थ्री पेटल्स सेम ली हैं, नेक्स्ट में टू हैं। इस तरह से इसको बना लेना है। अब हम लीफ बनाएंगे, एक रिंग बना लेंगे, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। हुक पे हम थ्री टाइम थ्रेड लेंगे, रिंग में डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, वन चेन लेंगे, टॉप पर स्लिप स्टिच लेंगे, रिंग में डबल ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, फाइव चेन लेंगे, रिंग में स्लिप स्टिच लेंगे, थ्रेड को कट कर देंगे, रिंग के अंदर से इस थ्रेड को पीछे की साइड कर लेंगे, रिंग को बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें फोर लीफ बना लेनी है। अब हम स्टार्च लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बेस की बैक साइड पर स्टार्च लगा लेंगे। ये फैब्रिक स्टिफनर है, इसमें जितना फैब्रिक स्टिफनर लिया है उतना ही हम वाटर ऐड करेंगे। फ्लावर की बैक साइड पर ये देखिए इस तरह से हमें स्टार्च लगा लेना है। सेम इसी तरह से सेकंड फ्लावर पर भी हम स्टार्च लगाएंगे।
लीफ की बैक साइड पर स्टार्च लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम सभी लीफ पर स्टार्च लगा लेंगे शेप देने के लिए। ये देखिए इस तरह से हम बेस के सभी कॉर्नर को बाहर की साइड में कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे। लीफ को हम पहले सीधा करेंगे, आगे की साइड में नोक बना लेंगे। फ्लावर को शेप देने के लिए इस तरह से हम सभी पेटल्स को सीधा करेंगे। क्रोचेट हुक की बैक साइड से ये देखिए इस तरह से हमें शेप देना है। सेम इसी तरह से बाकी के फ्लावर को भी शेप देंगे। जंप रिंग लेंगे, इसे हमें खोल लेना है। चेन गैप में यहाँ पर हमने 3 चेन का गैप लिया है, इसमें हम जंप रिंग लगाएंगे। इसमें हुक अटैच कर देंगे। लीफ लेंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे। लीफ पर हम ग्लू लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इस लीफ को लगा लेना है। फ्लावर लेंगे, सबसे पहले हम सेंटर वाले फ्लावर को लगाएंगे। नीचे की साइड में ये देखिए यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। जिस साइड हमने थ्रेड कट किया है उस साइड से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। जो हमने 2 लीफ बनाई हैं उसको हमें सेकंड राउंड में रखना है। ये देखिए बाकी की लीफ पर भी हम ग्लू लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें 3rd राउंड बना लेना है। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। बैक साइड पर हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर सेंटर में हम इस तरह से इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। सेंटर में हम इस तरह से निडल से इसको दबा देंगे। स्मॉल साइज का फ्लावर बनाने के लिए ये देखिए इस तरह से हम नीचे की साइड में ग्लू लगा लेंगे। इसको भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से जो हमने 3 पेटल्स लिए हैं इसको हम 2nd राउंड में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से फ्लावर बना लेंगे। लीफ लेंगे, ये देखिए यहाँ पर इस साइड में आप अपने हिसाब से इनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने 2 लीफ लगाई हैं। दूसरी साइड यहाँ पर 1 लीफ ली है। फ्लावर के बैक साइड में हम ग्लू लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से सेंटर में से अच्छे से प्रेस कर देंगे। दूसरी साइड में हम 2nd फ्लावर लगाएंगे। इसके लिए आप इस तरह से निडल से सेंटर में प्रेस करें, क्रोचेट हुक से नहीं लेना है। ये देखिए इस तरह से इयररिंग बना लेंगे। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये देखिए हमारे इयररिंग कंप्लीट हैं।